क्या वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया आज हम असमाय हुसन में से चौथे नंबर के इसमें हसन पर बात करेंगे और वह अल अलमलिको पहले हमने इसमें जात अल्लाह पर बात की थी उसके बाद अर रहमान पर गुफ्तगु हुई फिर अर रहीम पर हुई और आज अल अलमलिको ये अल्लाह तबारक व ताल के नामों में से एक नाम है और बड़ा खूबसूरत नाम है और अलमलिक को माना होता है बादशाह यानि मतलु बादशाह मुतलु बादशाह अल्लाह तबारक वाल को, को सजती है और अलमलिक जो है ये कुरान करीम में पाँच जगह आया है अच्छा जैसे कलाउ्रब्न्नास मलिक नास फ़तःमलिकमबीन तो, तो ये मलिक पाँच जगह जो है कुरान करीम में आया है और ये बड़ा अजीब गरीब नाम है इसमें बड़ी ताकत और बहुत ज़्यादा दौलत है अगर कोई ताकत और दौलत चाहता है तो इस नाम का विरद करे चुनाची यह है कि अगर कोई चाहता है कि वह दौलतमंद बन जाए मालदार बने तो अल मलिक जो है इसका विरद करे फज फजल शम्स के व, जवाल शम्स के वक्त जवाल शम्स के वक्त जो है ये एक सौ बीस मरतबा इसका विरद करें जिस वक्त जवाल का टाइम हो रहा होता है उस वक्त यह एक सौ बीस मरतबा इसका जो करे और अवल आखिर जो है वह ग्यारह मरतबा जो है दुरूशी के साथ तो ये इन ये नवे दिन की नीयत से शुरू कर ले बहुत ज़बरदस्त के फ़वद के इंसान को अल्लाह तबारकदा मालदार बना देते हैं और दूसरा इसके अंदर जो है नफ्स को काबू करने की बड़ी ताकत है अगर इंसान का नफ्स जो बेरारवी का शिकार है या किसी बच्चे का बच्ची का या किसी भी फैमिली का फर्द या हसबैंड है बीवी है नफ्स बे रवी का शिकार है लिहाजा शहवाद के अंदर नजायज ख्वाह के अंदर पड़ा रहता है या खुद आदमी सोचता है कि यार मेरा नफ्स जो बड़ा बेकाबू रहता है ख्वाहत तो नफ्सानी शहबाद के अंदर पड़ता है उसको कैसे क़बू करूँ उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासर है कि ये जो है अलमलिको को जो या मलिकु के नाम से जो है या मलिकु या मलिक का विरद करें तीन सौ तेरह मरतबा हाँ अगर उस आदमी के नाम के आदात पता हो तो बहुत अच्छा है तो उस आदात के मुताबिक करे वरना तीन सौ तेरह मरतबा रोजाना जो है ये पढ़ के दम करे पानी दम करके पी ले और ये नाइन्टी टू डेज़ की जैसे शुरू करें नफ्स इसके काबू में आ जाएगा ज़बरदस्त जो है इसको मुनाफे होंगे रूहानी तरक्की भी होगी क्योंकि रूहानी तरक्की का मदार नफ्स के काबू करने पर है तभी इमाम गजाली रही तरमाते हैं कि नफ्स की गर्दन पर पहला कदम रखो तो दूसरा कदम जन्नत में होता है तो ये इसका फ़ायदा है और तीसरा जो है इसके अंदर जो है कोई हाजत आपकी पूरी करना चाहते हैं कोई दिली मुराद है जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए तो उसकी में एक दिन के लिए पढ़ना काफ़ी है और वह तलु शम्स के वक्त जिस वक्त सूरज तलु हो रहा है उस वक्त आप बैठ जाएँ अल्ला की ग्यारह मरतरूशीफ और दरमियान में ये तीन हज़ार मरतबा पढ़ना या मलिक या मालिक या मलिक करके जो हाजत अल्लाह के सामने रख दें वो मुराद उसी दिन पूरी हो जानी इन एक दिन पढ़ना काफ़ी है लेकिन अगर बिलफर्ज़ हमारी कल भी कसावत की वजह से वो इस नाम का इजलाल नहीं हुआ टाइम लगा तो ग्यारह दिन में तो कोई ऐसी बात ही नहीं कि आपकी हाजत पूरी ना हो और ज़ाहिर कहा कि शबो रोज़ हमारी हाजतें मुश्किल दीदी मुरादें मनपसंद शादी हो जाए कारोबार खुल जाए तरक्की हो जाए क्या क्योंकि इंसान नहीं चाहता तो तीन हज़ार मरतबा जो है ग्यारह दिन के अंदर यकीन काम होगा ये का फ़ायदा और एक फ़ायदा ये कि अगर बादशाह वक्त है और बादशाह वक्त ये चाहता है कि रैए मेरी तावेदार रहे मुती रहे फरमा बरदार रहे और जो अहकाम जारी करो उसको माने और किसी किसी में कोखालफ ना करे खास तौर पर जो उसके मुखालफन हैं मुखालफी हैं और वो बड़े सरकश किस्म के लोग हैं और मन मानियाँ करते हैं आज के ज़माने में आप अपोजीशन कह सकते हैं आपकी अपोजिशन है मसलन तो उसको काबू में रखने के लिए ताकि वो मोती फरमा बरदार रहे उसके लिए बादशाह वक्त के लिए ज़बरदस्त ताकत है इसमें उसका तरीका या तो बादशाह वक्त अपने नाम के आदात निकलवा ले कि मेरे नाम के आदात क्या बनते हैं उतने आदात बना के उतनी दफ़ा पढ़े वरना जो है एक हज़ार एक सौ ग्यारह मरतबा ग्यारह सौ ग्यारह मरतबा जो है ये वो इसका विरद करे रोज़ाना और कोई एक नमाज का वक्त रख ले उस नमाज के बाद भी रोज़ाना विरिध करे और यह सेवेंटी वन डेज़ की नीयत से शुरू कर ले इन श्ला कोई वजह ही नहीं है कि उनके मुखालफिन जो मती हो जाए सुबह इसमें बड़ी ज़बरदस्त ताकत की अमालिक जो है वो बादशाह है ताकत तो ये उसमें फायदा होता है और एक ये कि अगर इंसान चाहता है कि मोहताज ना हो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े अल्लाह ही किसी की राहमत से सब उसके काम होते रहें तो फजर के बाद 120 सौ बीस मरतबा रोज़ पढ़ता रहे फजर के बाद रोजाना एक, एक सौ बीस मरत पड़ता रहे तो किसी किस्म की उसको मोताजी नहीं होगी हर तरह का घिरा उसको नसीब होगा और ज़ाहरी बात नहीं अल्लाह तबारक वाले उसको दूसरों के सामने हाथ फैलाने से रोकेंगे और उसको जो नवाज देंगे ये इसके फुदाय फवाद हैं और जहाँ तक ख्वाब तबीर का ताल्लुक है अगर जो बादशाह व्वाब में देखा तो इस नाम को सुना या लिखा हुआ देखा इसका मतलब इसकी बादशाह को अल्ला दमाम देंगे इसकी बादशाहत कायम रहेगी दायम रहेगी और इन शाह ये पूरे जो है वह आबोताब के साथ अपने बादशाह का वक्त पूरा करेगा और अगर रियाया में किसी ने देखा तो इसका मतलब इसको बादशाह वक्त की इतात नसीब होगी क्योंकि बादशाह वक्त की इतात करना यह भी मुस्तरे की इबादत और तो कार्य सवाब है अजर का बायस है तो इसको इतात नसीब होगी और ये भी इशारा है कि अगर उसके अंदर एहलीत है तो अल्लाह तबारक वाला उसको कभी न कभी बादशाह के मनसबे फायज़ कर देंगे और तीसरा मतलब यह है कि अगर इसे किसी ने यह नाम लिखा हुआ देखा या सुना तो मतलब भी कि अल्लाह तबारक वाले इसको जो है मखलूक से जो है मुस्तगनी कर देंगे खालि अपना मोहताज बना के रखेंगे और अल्लाह उसमत की जो अल्लाह की शान है उसका परतव उसके ऊपर रहेगा और ये किसी का मोहताज नहीं होगा और अल्लाह का मोहताज होकर जिंदगी गुजारेगा आपने आ, जो बातें की वो आ, एक तो ये जो मुझे पता लगा वो ये लगा कि आपने इमरान खान के लिए फार्मूला दिया <laughs> आपने ट्रंप भी फायदा उठा सकते हैं <laughs> है। मेरे में ट्रंप आया था लेकिन <laughs> उसके बाद जो जो, जो सही मुसलमान वो मेरे जहन में आ गया एकदम <laughs> <गया कि> तो, <laughs> ट्रंप को तो पहले इस्लाम कबूल करना पड़ेगा <laughs> <laughs> तो इमरान खान के लिए आपने एक एक, एक फार्मूला बता दिया जो कि अगर उस, उसको किसी तरीके से पहुंच जाए और वो करे तो पाकिस्तान के हालात अच्छे हो सकते हैं हमारा तो ताल्लुक वहां से इसलिए बात करते हैं दूसरे दूसरे आपने फिर एक, एक, एक ऐसी चीज़ बता दी लोगों के लिए कि उनकी हजात पूरी करने का आपने जो फिर नुस्खा बताया जो हर हफ़्ते आप कोई ना कोई नुस्खा बताते हैं मुझे ये यकीन है कि लोग इसको चेक कर रहे होंगे इसको यूज़ कर रहे होंगे और हमें कॉलर्स को चाहिए कि हमें बताएं कॉल करके कि मुफ्ती साहब के जो नुस्खे हैं उनसे उनको कितना फ़ायदा हो रहा है दी। दी। तो तो ये भी आपने फिर बता दिया आज आपने एक और बड़ी काम की बात की नफ्स को कंट्रोल करने की आपने बात कर ली यानी आपने जन्नत का रास्ता दिखाने का फिर एक और तरीका बता So, so, आ, और, और जो मैंने मैंने नोट किया वो आपने कहा, तुलुए शम्स और जवाल शम्स। इन दोनों की आपने बात की हमें शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ क्या ये बात सही है या गलत नहीं। है? शम्स और जवाल शम्स और गुरु शम्स तीन मकरू औकातों व नमाज पढ़ने की इजाज़त नमाज पढ़ने की नमाज न पढ़े कुरान पढ़े और उस वक्त अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं बल्कि करना चाहिए कुरान की तलावत भी कर सकते हैं दुरुषित पढ़ सकते हैं अल्लाह के जिक्र भी कर सकते हैं तो बल्कि कह लिखा है कि उस अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ रहना चाहिए क्योंकि इबादत शरिया जो है नमाज़ तो कर नहीं सकते लिहाजा अल्लाह के जिक्र के ज़रिए से अल्लाह तबारक वाल तो मुतवज हैं क्योंकि वो ख़ास वक्त होता जब इबलीस है अपनी खुदाई का दावेदार होता है उस वक्त एंड उस वक्त में अल्लाह को आप याद करेंगे तो इवलीस की खुदाई की नफी होगी तो वो भी एक बहुत जबरदस्त कैफियत होती है उस वक्त भी बाज़ अजकार करने के बड़े मुनाफे ज़ाहिर होते हैं क्योंकि उस इंसान शैतान की बादशाही की नफी करके अल्लाह की बादशाही को पुकारता है तो उस वो अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा मुतवजी होती है और आता करती है ये 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 भी एक बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन आपने दे दी जो लोगों को पता नहीं है बहुत से लोगों को पता है बहुत सों को नहीं पता तो उस हिसाब से ये क्लरिफिकेशन आ गई बहरहाल या मलिक को तीन हज़ार बार मैंने लिख लिया है। <laughs> तो तो, 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 तो इन शर एक को चाहिए कि इसको इस्तेमाल करें मुफ्ती साहब के जो नुस्ख़े हैं छोटे छोटे नुस्खे ऐसे उमदा नुस्खे हैं आ, हमें कॉल्स आती हैं टेक्स्ट मैसेज आते हैं लोगों के बताने के लिए कि जी उनके काम हो गए